एयरपोर्ट। क्या हाल है भाई, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। जो वीडियो दिन में देख रहे हैं वो एडजस्टमेंट कर लेना। आज की जो वीडियो आने वाली है, एक मेरी वीडियो आपने देखी थी गोवा संपर्क क्रांति की, अब वीडियो आ रही है गोवा एक्सप्रेस की 12780। गोवा एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन से बनकर वास्को डी गामा जाती है और इसके करीब चलती है, 2 दिन का पूरा सफ़र है, पर हम आपको कोपर गाँव तक लेके जाएंगे। और ये ट्रेन जो है दोपहर के 3 बजे जाती है निजामुद्दीन से और कोपर गाँव उतरती है अगले दिन 10 बजे, पर ये ट्रेन 14 घंटे लेट है, 14 घंटे। पर फास्ट ट्रेन होगी भी 14 घंटे लेट है। तो इस ट्रेन की हम पूरी पूरी जर्नी दिखाएंगे, कितने स्टेशन आते हैं, कितना क्या होता है, किस टाइम रुकती है, क्या है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और हम इसकी पूरी एक बार जर्नी दिखाते हैं, आपको कवर करते हैं, आइए। बाकी मेरी जो पुरानी वीडियो है गोवा संपर्क क्रांति की, आप एक बार जरूर उसको देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हाय गाइस, अब अपना फर्स्ट स्टेशन आ चुका है मथुरा, मथुरा जंक्शन, इसका कोड है MTJ और यहाँ पर जो है सिर्फ 2 मिनट का स्टेशन का हॉल्ट है यहाँ पे ट्रेन का, और क्या नाम है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट रुकेगी। और तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पे कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, इसके बारे में क्या बताना, तो बच्चा बच्चा जानता कि भाई सही कह रहे हो, सही कह रहा हूँ। और मौसम बिल्कुल बिकट वाला हो रखा है, बरसात वाला मौसम हो रहा है, कोई धूप नहीं, कोई छाई नहीं, और ट्रेन तो 14 घंटे लेट है, और कोई नहीं, बजे तो पूरा आने ना, आगे यही मौसम बना रहना है, हमें जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन। तो भाई ये तो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है यहाँ पे, इसके बारे में क्या बताना। सेकेंड स्टेशन आ गया है आगरा कैंट, और अब तक हमने 190 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं हजरत निजामुद्दीन से, और यहाँ पे 3 मिनट का स्टॉप है। और सबसे ज़्यादा आगरा में सवारी इसलिए उतरती क्योंकि यहाँ पे भाई ताजमहल देखना हर भी पसंद करता है, तो जो दूर दूर से फॉरनर जो आते हैं वो यहीं उतरना शुरू करते हैं और आगरा के मजे लेते हैं, ताजमहल घूमते हैं। और ताजमहल कहाँ पर भाई, आगरा में क्या हो रहा, और आगरा में ही ताजमहल है, और आगरा में ही एक पागल खाना है जिसके नाम से आगरा बहुत ज़्यादा मशहूर है, आगरा का पागल खाना। भाई ट्रेन के सिग्नल का टाइम हो चुका है, ट्रेन ने हॉर्न मार दिया, ये हमारे भाई दोनों धक्का लगा रहे हैं। इन्होंने ट्रेन आगे बढ़ा दी और हम अंदर चलते हैं और मौज मारते हैं, ठीक है भाई, आ जाओ। Thank you.
हॉट नंबर है 3। अब आ गए हम ग्वालियर और मथुरा, आगरा, ग्वालियर। अब जो है हमने अब तक की जो है 300 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके हैं और अब जो है हम आ गए मध्य प्रदेश में, मतलब यूपी छोड़ के मध्य प्रदेश में आ गए। तो अब जैसे चलता रहेगा सफ़र वैसे ही आपको कराते रहेंगे। अभी ग्वालियर जो है पड़ता है मध्य प्रदेश में और यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है, 1, 2, 3, 4। यहाँ से तिरुवनंतपुरम, केरला वगैरह हर जगह स्टेशन जो आती हैं वो यहीं से मतलब निकलती है, यही रूट पड़ता है क्योंकि मथुरा से लाइन चेंज हो जाती है। इसलिए तो चलिए हम आपको हर जगह घुमाते हैं और स्टेशन दिखाते हैं कैसा है एक बार। जाइए क्या लेगा। भाई मेरा दोस्त एक डायलॉग मारेगा, कौन सा भाई डायलॉग ये मारेगा? मुगलड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी। भाई कौन से स्टेशन आ गया? भाई स्टेशन आ गया झांसी। झांसी और ये जो डायलॉग है ना ये हमने फोर्थ क्लास में पढ़ा था। भाई कम से कम 450 किलोमीटर की जर्नी अब तक कम्प्लीट हम कर चुके हैं और यहाँ भी सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है और स्टेशन भी काफ़ी साफ सुथरा है और झांसी जो है वो तो आपको पता है किस चीज़ से फेमस था, झांसी की रानी के चक्कर में। बाकी पीने का पानी ठंडा है, सब कुछ बढ़िया है, स्टेशन बढ़िया है बिल्कुल। स्टेशन में आपको दिखाया तो और ट्रेन में मज़ा कैसा आ रहा है भाई? भाई फुल मज़ा आ रहा है। हाँ स्लीपर क्लास में पूरे मज़ा आ रहा है भाई। एसी की तो बात छोड़ो, क्यों केले वेले ले लिए भाई हमारे, केले वेले खाएंगे मौज करेंगे। अब चलते हैं अंदर, सिग्नल का भी टाइम हो रहा है। पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी लगती भोपाल और मेरी हालत भी ख़राब हो गई है और बंदे हुए देख लो मेरी हालत ख़राब हो गई थोड़ी। और भाई एक दिन में यहाँ पे कम से कम 245 ट्रेन आती है पर डे, 245 ट्रेन पर डे आती है और स्टेशन भी काफ़ी बैकग्राउंड की तरफ तो अच्छा बना रखा है और हालत ज़्यादा ख़राब होती आ रही है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं सही कर लेंगे, मतलब मौज उड़ा रहे हैं। रूम लेंगे, रूम लेंगे क्या करना, देख लो भाई सुबह नहाएंगे धोएंगे बाबा के दर्शन करेंगे। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, आप जरा इनसे बात करते हो, मतलब हम मौज पूरी उड़ा रहे हैं भाई, मौज पूरी उड़ा रहे हैं और मजे पूरे ले रहे हैं। तो भोपाल आ गया, अब उसके बाद पता नहीं किसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद आएगा इटारसी, उसके बाद आएगा शायद ठंडा हुआ। हाँ तो मतलब जर्नी अभी चलती रहेगी और मौज मार दे रहे हैं, चलते रहते हैं। Guys, अब हज का तो पता नहीं कर रहा, थोड़ी देर से हो गया था। अब आ गए इटारसी, कोड नंबर है ET। अब तक की हमने दिल्ली से लेकर अब तक की 746 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके हैं और हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कैसा लग रहा भाई? बहुत ज़्यादा थके हुए भाई, आराम नहीं मिल पा रहा। अब ट्रेनों में इन ट्रेन गोवा एक्सप्रेस के अंदर इंजन गार्ड वगैरह जितने भी होते TT वगैरह सब चेंज हो जाते हैं इटारसी पे आगे। अब मध्य महाराष्ट्र वाले जो लगते हैं ना मुंबई वाली लाइन, वहाँ के TT वहाँ के इंजन वहाँ का मतलब सब कुछ लगेगा, वहाँ के TT वगैरह कंप्लीट चेंज रहेंगे। अब वो रूट बन जाएगा, यहाँ पर गाड़ी सिर्फ 10 मिनट रुकती है इटारसी जंक्शन पर और बहुत कुछ खाने को मिलता है, बड़ा पाव सांभर वड़ा सब कुछ
इसलिए भाई इसका भी ध्यान तो वही खाने के लिए आ रहा है। क्या लिया तूने भाई? मैंने तो इटली लिया अपने लिए। इसने क्या लिया है अपने लिए? इडली लिया है मैंने। तूने क्या लिया है भाई? इडली लिया भाई। इडली लिया है, इडली खाएंगे और मौज मारेंगे। रंग भी थोड़ा काला काला बढ़ गया। अब चलते हैं फिर अपने डिब्बे के और इडली वगैरह खाते हैं, वो दिखाते हैं, फिर दोबारा जर्नी के लिए शुरू हो जाते हैं। ठीक है भाई? कितने का है? 20 रुपए का। दो ले लेते हैं। भाई 18-20 घंटे होकर ट्रेन में बैठे बैठे अब जाके आया है महाराष्ट्र का पहला स्टेशन भुसावल, जो दिख रहा है भाई सिंजरा के पीछे। और अब चांस है मनमान आने के। और उसके बाद भाई बीच में इस ट्रेन के साथ कुछ लफड़ा हो गया था, जो इटारसी के साथ मैं बना नहीं पाया वीडियो। क्या क्या हो गया? बरसात दिन तेज हो गई, अभी गाड़ी आगे जाएगी नहीं। क्या सीन है गाड़ी का भाई? गाड़ी जो रूट है ना आगे वाला, उसमें पानी भरा हुआ है, पेड़ टूट के गिर गए बाढ़ के कारण। मतलब आगे चल के पहाड़ियों पर गाड़ी चलती है तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से गाड़ी मनमाड़ तक ही जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। और जब पूना वाले हैं ना, वो दूसरी ट्रेन पकड़ के पनवेल वगैरह होते हुए जाएंगे। ये डिवाइड कर दी इस ट्रेन को, ये मनमाड़ से कट जाएगी पनवेल वाले कल्याण वाले रूट से। और जिसको पूना जाना है वो मनमाड़ से चेंज करेगा पीछे वाली ट्रेन में। बहुत समस्या है बंदों को यार, बंदे देखो कैसे देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देख रहे हो कितने लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लोग। कोई हल क्या है अभी? कोई हल नहीं है, ट्रेन चल रही है, हम तो चलेंगे। तो भाई जैसा चल रहे हैं वैसे चला रहे हैं कि भाई चलिए, हम भी भगवान भरोसे, आप भगवान भरोसे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। गोरे निकले तो काले हो गए क्यों? ठीक है भाई, ना धो के निकले थे ऐसे हो गए। टाइम हो रहा ट्रेन का चलने का, लेट वैसे ही 14-15 घंटे। हाय गाइस, आखिर 1780 की जर्नी हुई हमारी कंप्लीट, और ट्रेन को भी हमें बाय बाय करना है। वैसे हो गई बीच में आगे ना, कभी अभी मैं इटारसी तक देखा था, बीच में ट्रेन को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, बार बार अलाउंसमेंट हो रही थी कि ट्रेन इससे आगे जाएगी नहीं जाएगी, बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी इसलिए मैं थोड़ा बहुत शूट कर नहीं पाया, बाकी फिर हमने ट्रेन में भी काफ़ी मज़े लिए हैं, आपने भी देखा होगा। बाकी अगर कोई कमी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट मार के बताना, और आगे कोई ट्रेन की जर्नी करनी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, और चेहरा देख रहे हो एकदम काला हो गया, सब भाई थके हुए लग रहे हैं A to Z। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट मार देना। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, सी यू। अब मिलते हैं कहीं ना कहीं फिर दोबारा, कोई वीडियो के साथ या ट्रेन के साथ फुल दोबारा जर्नी कराएंगे आपको। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय।